अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कीबोर्ड की फंक्शन की के मुतल्लिक बताएंगे। दोस्तों, ये F1 से लेके F12 तक तमाम फंक्शन की हैं। लैपटॉप में FN ये फंक्शन की का बटन होता है, इसको ऑन करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आम कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उसमें ये फंक्शन की का ये बटन नहीं होता है, डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले F1, F1 का मतलब है कि हेल्प की। किसी भी प्रोग्राम के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए हम F1 इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने ये माई कंप्यूटर ओपन किया, इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी है, हम F1 प्रेस करेंगे तो ये सारी मालूमात माई कंप्यूटर के मुतल्लिक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरी की है F2। तो दोस्तों, F2 का मतलब है कि रीनेम। किसी भी चीज़ को रीनेम करने के लिए हम शॉर्टकट F2 इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम किसी चीज़ का नाम चेंज करना हो तो सबसे पहले हम फर्ज करो जी मेरे पास इमेज 18 लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक किया, ये रीनेम की ऑप्शन, फिर रीनेम पे आएगा ये। अगर हम डायरेक्ट इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया और F2 प्रेस किया तो ये रीनेम पे आ जाएगा। तो इसके अलावा F3 फंक्शन की का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए इसके ये इस्तेमाल होती है। हम F3 पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। फर्ज करें कि ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, तो अब हम F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस किया, ये टेक्स्ट और एप्स जो प्रोग्राम ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है, ज़्यादा टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है। हम लिखते हैं यहाँ, ये P के ऊपर क्लिक किया, जितने भी है इसने सेलेक्ट कर लिए। इसके अलावा जो जो हम लिखते जाएंगे तो वहाँ वहाँ ये टेस्ट ढूंढता जाएगा। ये देखें, यहाँ भी आ गया, जो हम लिखा है वहाँ वहाँ उसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आ गई F4। F4 हमारा जो मौजूदा प्रोग्राम चल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। F4 अकेला काम नहीं करेगा, क्योंकि हम F4 प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब इसके साथ हमने Alt और F4 प्रेस करना, ये प्रेस किया तो वो करंट प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। जब हमारे डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम नहीं, हम फिर Alt और F4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा सामने। इसके अलावा F5 रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही हम F5 पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर भी रिफ़्रेश हो जाएगा। वैसे हमने रिफ़्रेश करना हो तो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर रिफ़्रेश लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश करने के लिए शॉर्टकट की हमारे यहाँ F5 है। इसके बाद हम F6 के मतलब बताएंगे कि F6 बेसिकली अक्सर लैपटॉप में वॉल्यूम कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब हम कोई भी वेबसाइट वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो जब हम F6 पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर एकदम URL पे चला जाएगा।
जैसे हमने F6 से प्रेस किया तो ये हमारा एकदम URL पे चला गया। ये शॉर्टकट तरीका है। इसके बाद फंक्शन की आती है F7। F7 को जब हम प्रेस करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे कोई भी काम नहीं करेगा। F7 बेसिकली इस्तेमाल होता है ऑफिस के लिए, जब हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें स्पेलिंग या ग्रामर वगैरह चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो उसके बाद F7 प्रेस करेंगे तो इसमें कोई गलती वगैरह है तो हमें ये बता देगा। इसके बाद फंक्शन की है F8। F8 का बेसिकली विंडो में तो कोई फंक्शन नहीं है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो F8 प्रेस करेंगे तो ये सेव मोड में चला जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए F8 प्रेस करते हैं। इसके अलावा फंक्शन की है F9। F9 का भी बेसिकली विंडो में तो कोई फंक्शन नहीं है इसका। जब हम F9 को प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप पे कोई फंक्शन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंक्शन की है F10। इसका भी बेसिकली विंडो में कोई फंक्शन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम इसको शिफ्ट और F10 के साथ शिफ्ट और F10 प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू शो हो जाएगा। शॉर्टकट के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फंक्शन की है हमारी F11। F11 बेसिकली फुल मोड के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम कोई ब्राउज़र, ये देखिए हमने इसको ओपन किया तो यूं ही हम F11 प्रेस करेंगे तो ये फुल मोड पे आ जाएगा। जब हम दोबारा F11 को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके अलावा हमारी लास्ट की है, लास्ट फंक्शन की F12। F12 को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर फ्लाइट मोड पे चला जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये फाइल सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन की कि मैंने चंद सिर्फ खसूसियाँ बताई हैं। इसके अलावा काफ़ी और खसूसियत हैं तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी खसूसियत बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।